निकालेंगे, बाएं हाथ के कंधे पर रहेगा। ये जो पवित्र धारण करने का ये एक सामान्य तरीका है। इसमें तीन धागे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ग्रंथि अथर्ववेद का प्रतीक है, संकेत है, संस्कार है उसका। और इसमें भगवान के सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जैसे हम बोलते हैं, तो उस भगवान की भगवत्ता को और सारे परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, परमात्मा की दिव्यता को, उसको आत्मसात करने का, उसको धारण करने का, भगवान के नियमों में जीने का संकेत है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत और शिखा, चोटी और जनेऊ, यही भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े लक्षण हैं, प्रमाण हैं, प्रतीक हैं, आदर्श हैं। और शिखा और सूत रखने का अर्थ है कि हम ऋषियों की परंपरा में जीने वाले हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम अमृत पुत्र हैं, भगवान की संतानें हैं। आज मजहबों के नाम पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी हमारे मजहब हो गए हों, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं। और ये पूर्वजों की संस्कृति का प्रतीक है यज्ञोपवीत। और हमें प्रसन्नता है कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ अपने सिख भाइयों के भी बच्चे यहाँ आचार्य कुलम में पढ़ रहे हैं, और वो भी यज्ञोपवीत धारण करके अपने उस ऋषि परंपरा में, अपने पुरखों के, अपने जितने भी अपने प्राचीन काल के, हम अपने पुराने समय के, अपने सिखों के इतिहास को भी देखते हैं, तो अपने सभी जो है उस गुरु परंपरा में सभी अपने वो महापुरुष वो यज्ञोपवीत धारण करते थे और यज्ञ किया करते थे। तो अपने सिख बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, और अपने उस पावनी परंपरा में और बच्चे दीक्षित हो रहे हैं। एक बार आप सबको पुनः श्रावणी पर्व की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देते हुए अब आगे का ये अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। ओम अग्नि प्रार्थन। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वमिन्दा पूर्ते सुखं सृजेथामयन्ता अस्मिन् सर्वस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वते वर्धयतास्मान् ृतैर्बोधगतातिथिम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा। प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। अब ब्रह्मचारी लोग का विशेष आहुति। सभी ब्रह्मचारी लोग मेरे साथ बोले, ओम अग्ने व्रतपते इदं नमः। सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां सब बोलेंगे। ये व्रताहुति है इसलिए दी जा रही है। आप अग्नि को, वायु को, सूर्य को, चंद्रमा को और अग्नि को, सब देवताओं को और सारे देवताओं का मूल देवता भगवान ब्रह्मदेव परमात्मा को साक्षी मान करके, सारे देवताओं को, गुरुओं को साक्षी मान के, माता पिता गुरुओं को साक्षी मान करके, सब बेटियां और सब बेटे ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने जीवन में सत्य का व्रत धारण करते हैं,
वेदानुकूल आचरण का व्रत लेते हैं, तो ये सब बोलेंगे इन मंत्रों को और फिर आहुति देंगे। ओम सूर्य व्रत पते, सूर्य व्रत पते, व्रतं चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि, तत्ते प्रब्रवीमि, तत्ते प्रब्रवीमि, तच्छकेयम्, तच्छकेयम्, तेनर्ध्यासम्, तेनर्ध्यासम्, इदमहमन्त्रतात्, इदमहमन्त्रतात्, सत्यमुपैमि, सत्यमुपैमि, स्वाहा, इदं सूर्याय, इदं सूर्याय, व्रतपतये, व्रतपतये, इदं नमः, इदं नमः, ओम चंद्रव्रतपते, चंद्रव्रतपते, व्रतं चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि, तत्ते प्रब्रवीमि, तत्ते प्रब्रवीमि, तच्छकेयम्, तच्छकेयम्, तेनर्ध्यासम्, तेनर्ध्यासम्, इदमहमन्त्रतात्, इदमहमन्त्रतात्, सत्यमुपैमि, सत्यमुपैमि, स्वाहा, स्वाहा, चंद्राय, इदं चंद्राय, व्रतपतये, व्रतपतये, इदं नमः, इदं नमः, ओम ओम व्रतानां व्रतपते, व्रतानां व्रतपते, व्रतं चरिष्यामि, व्रतं चरिष्यामि, तत्ते प्रब्रवीमि, तत्ते प्रब्रवीमि, तच्छकेयम्, तच्छकेयम्, तेनर्ध्यासम्, तेनर्ध्यासम्, इदमहमन्त्रतात्, इदमहमन्त्रतात्, सत्यमुपैमि, सत्यमुपैमि, इदमिन्द्राय, इदमिन्द्राय, व्रतपतये, व्रतपतये, इदं नमः, इदं नमः, ओम ब्रह्मचर्यम्, सब बोलेंगे बच्चे, ओम 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 ब्रह्मचर्यम्, ब्रह्मचर्यम्, आगाम आगाम, उपा उपा, मानयस्व मानयस्व, ओम तत्सवितुर्वृणीमहे, तत्सवितुर्वृणीमहे, वयं देवस्य भोजनम्, वयं देवस्य भोजनम्, श्रेष्ठं सर्वधातमं, श्रेष्ठं सर्वधातमं, तुरंभगस्य धीमहे, तुरंभगस्य धीमहे, ओम अग्निराचार्यो मम, अग्निराचार्यो मम, तीसरा बार छोड़िए, छोड़ दीजिए। अब सभी आचार्य लोग का उक्ति है स्पर्श करके, जैसे पहले श्रद्धेय आचार्य श्री ने सब बच्चों का हृदय स्पर्श किया था। देव सवितः, देव सवितः, एषते ब्रह्मचारी, एषते ब्रह्मचारी, तं गोपाय, तं गोपाय, समामृत, समामृत, देव सवितः, देव सवितः, एषते ब्रह्मचारी, एषते ब्रह्मचारी, तं गोपाय, तं गोपाय, समामृत, समामृत, देव सवितः, देव सवितः, एषते ब्रह्मचारी, एषते ब्रह्मचारी, तं गोपाय, तं गोपाय, समामृत, समामृत, ओम मम व्रते, मम व्रते, ते हृदयं दधामि, ते हृदयं दधामि, मम चित्तं, मम चित्तं, अनुचित्तं ते अस्तु, अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचं, मम वाचं, एकमना जुषस्व, एकमना जुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वा, बृहस्पतिष्ट्वा, नियुनक्तु मह्यं, नियुनक्तु मह्यं, मम व्रते, मम व्रते, ते हृदयं दधामि, ते हृदयं दधामि, मम चित्तं, मम चित्तं, अनुचित्तं ते अस्तु, अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचं, मम वाचं, एकमना जुषस्व, एकमना जुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वा, बृहस्पतिष्ट्वा, नियुनक्तु मह्यं, नियुनक्तु मह्यं, सर्वेभ्यः भूतेभ्यस्त्वा, भूतेभ्यस्त्वा, परिदधामि, परिदधामि, ये हृदय स्पर्श
क्रिया से मम, इसका मतलब होता है मम व्रते हृदयम ते दधामि। आचार्य अपने व्रत को, अपने संकल्प को, अपने संस्कार को, अपनी ज्ञान चेतना को ब्रह्मचारी के, विद्यार्थी के, बालक बालिका के हृदय में धारण करता है। अर्थात अब देखने में दो अस्तित्व हैं, लेकिन संस्कार के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, आत्म चेतना के स्तर पर एक हो चुके हैं। गुरु शिष्य के साथ और शिष्य अपने आचार्य के साथ एक रूपता से जुड़ता है परमात्मा से। बृहस्पति उस परमात्मा को कहते हैं। तो वह परमात्मा जो हम सब का मूल पिता है, सबका रचयिता है, वो हम सबको एक दूसरे के साथ अखंड भाव से जोड़े रखे। हमारी गुरु निष्ठा, हमारी सत्य निष्ठा, हमारी धर्म निष्ठा अखंड रहे। एक क्षण के लिए भी हमारी निष्ठा खंडित ना हो, हमारे विश्वास ना डगमगाएं, जीवन में हमारा हौसला कमजोर ना पड़े, हमारे संकल्प में विकल्प ना आए, और हमारे जीवन में जो पुरुषार्थ है, जो ज्ञान है और जो हमारी निष्ठा है वो अखंड रहे। इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपने संपन्न की। तो जो तीन संविधाओं की आहुति दी है, इसके पीछे सारे दैवी संकल्प, सारे वो ऊंचे संकल्प, वो भागवत संकल्प, वो ऋषि संकल्प, जिसके द्वारा अपने पूर्वजों ने देवत्व को, ऋषित्व को प्राप्त किया, उन्हीं संकल्पों से अनुप्राणित होने के लिए आपने ये तीन आहुतियाँ दी हैं। अब अग्नि में हाथ तपाकर अग्नि का गुण का धारण हम करते हैं। अग्नि में हाथ तपाएंगे और घी लगा करके। ओम अग्ने यन्मे, ओम अग्ने यन्मे, तन्वा ओनम, तन्वा ओनम, तन्मा आप्रणा, तन्मा आपिना, मेधान्ते देवः, मेधान्ते देवः, सविता, सविता, आदधातु, आवृधातु, मेधां मे देवी, मेधां मे देवी, सरस्वती, सरस्वती, आदधातु, आदधातु, मेधां मे, मेधां मे, अश्विनौ देवौ, अश्विनौ देवौ, आधत्तां, आधत्तां, पुष्करस्रजौ, पुष्करस्रजौ, वाक्चमे, वाक्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्, प्राणश्चमे, प्राणश्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्, चक्षुश्चमे, चक्षुश्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्, श्रोत्रञ्चमे, श्रोत्रञ्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्, बलञ्चमे, बलञ्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्, यशश्चमे, यशश्चमे, आप्यायताम्, आप्यायताम्। बल से, ओज से, यश से, तेज से, ज्ञान से, प्रकाश से यह अग्नि हमें प्रकाशित करे, आप्लावित करे, उससे युक्त करे, संयुक्त करे, ऐसी प्रार्थना की। अग्नि एक प्रतीक है ज्ञान का, ऊपर उठने का, ज्योति का, प्रकाश का, और उस भगवान का। तो हमारा जीवन अग्नि की तरह सदा प्रकाशमान रहे, हम निरंतर ऊंचे उठते रहें, ओज से, तेज से, शौर्य से, बल से, पराक्रम से, दिव्यता से, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा मन वो सदा ही आलोकित रहे, प्रकाशित रहे। इस प्रार्थना के साथ आपने ये अग्नि में हाथों से ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा का हाथों से ग्रहण करके अपने अस्तित्व में उसका आधान किया। अब मेखला और दंड धारण का विधि है। अपने यहाँ आम भाषा में बोला जाता है ना, भाई कमर कस लो, तैयार रहो, कटिबद्ध रहना। तो जो कटिबद्ध होता है, जो हमेशा पुरुषार्थ के लिए, युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए जीवन में तैयार रहता, वो कभी पराजित
नहीं हो सकता। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहिता। तो हमें अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में पूर्ण विजय प्राप्त करनी है। हर क्षेत्र में हमें अग्रणी बनना है, प्रथम कोटि का बनना है। और ये दंड जो है वो कई दिव्यताओं का प्रतीक है। तो आपको एक तो दंड से स्वयं अनुशासित रहना है। ये दंडा पीटने के लिए और किसी को पीटने के लिए नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, ये आत्मनुशासन का प्रतीक है। ये आपको जो चटाई दी गई है ये बिछाने के लिए दी गई है, इसको कहते हैं आसन। एक तो करने वाले आसन होते हैं, शीर्षासन, पद्मासन आदि। आसन में बैठ के, आसन पर आसन में बैठ के, और फिर ये प्रतीकात्मक रूप से आपको संहिताएं दी गई हैं। वेदाध्ययन करना है और वेदाध्ययन करते हुए अपने भीतर की ज्ञान शक्ति को जागृत करना है। भारतीय ऋषियों का यही प्रयोजन है, चाहे वो सतवाद है या असतवाद है, माने आपके भीतर ही सब कुछ है, बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, ज्ञान की एक ज्योति चाहिए जो भीतर जो आपके उपस्थित है उसको प्रकाशित कर सके। और दूसरा वो प्रकाशित होगा पुरुषार्थ से। तो अपने जीवन में हमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना है। किसमें जीना है? सब बच्चे बोलेंगे पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। माने जीवन में आलस्य, जीवन में प्रमाद। तो जो पुराने ब्रह्मचारी हैं, पुराने वाले भी सुन लो भाई, किसी को भी प्रमाद, किसी को भी आलस्य, बेटियों को भी है ना, और बेटियों को भी, किसी को भी अपने जीवन में स्थूल दोष नहीं करना। स्थूल दोष हिंसा, स्थूल दोष झूठ बोलना, स्थूल दोष चोरी करना, स्थूल दोष किसी भी को कुदृष्टि से देखना। सारा क्रिएशन, सारी रचना किसकी है? ये बार बार हम बोलते हैं ना, ये सारी रचना किसका है, की है? भगवान की। सारी रचना किसकी है? तो इसमें क्या दिखना चाहिए? भगवान का मूर्त रूप। क्या दिखना चाहिए भगवान का? दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। ये सारा जड़ और चेतन जगत भगवान का मूर्त स्वरूप है। तो इसके अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। सब मेरे ही भगवान के मूर्त स्वरूप है। माता पिता किसके रूप है? भगवान के। माता पिता किसके रूप है? गुरु किसके रूप है? और सब किसके रूप है? तो बच्चे भी भगवान के स्वरूप हैं, शिष्य भी भगवान के ही रूप हैं, गुरु भी भगवान के ही रूप हैं, माता पिता भी भगवान के ही रूप हैं। हम सबको बनाने वाला, रचाने वाला और अंत में अपने भीतर समाने वाला भगवान ही है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मा। भगवान को क्या बोलते हैं? और हमेशा ब्रह्मा भगवान के साथ जो जीत, जो भगवान के साथ जो जीता हुआ, भगवान के साथ जुड़ करके जो जीता है वो ब्रह्मचारी। जो हमेशा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। तो हमें किसके साथ जीना है? भगवान के। हमें किसके साथ जीना है? और सब में किसका मूर्त रूप में दर्शन करना है? भगवान का ही मूर्त रूप में दर्शन करना है। ओम सदा सस अन्न से आहुति, अन्न से आहुतियां होंगी तीन, फिर आपको भी अन्न खाने को मिलेगा। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया हुआ है, भूख लगी है ना? ओम सदा सस्पति मद्भुतम्, ओम सदा सस्पति मद्भुतम्, प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्, प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्, सनिम् मेधामयाशिषम्, सनिम् मेधामयाशिषम्, स्वाहा स्वाहा
इदं सदसस्पतये इदं सदसस्पतये इदं नमः इदं नमः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सावित्र्यै इदं सावित्री नमः आहुति देते रहे स्वाहा के साथ ओम ऋषिभ्य स्वाहा ऋषिभ्य स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं ऋषिभ्यः इदं नमः इदं नमः बच्चे यहां से गीत प्रस्तुत कर रहे हैं एक बार सब बच्चों का अभिनंदन कर दीजिए जोरदार तालियां बजा करके कार्य वचन निर्मल मन रहना संभल संभल कर पग धरना कार्य वचन निर्मल मन रहना संभल संभल कर पग धरना सब पर करुणा मुदिता मैत्री सब पर करुणा मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विहरना योगी योग जुगत से करना योगी योग जुगत से करना जीव जगत के पाप निकल कर नर्वत छाया करना जीव जगत के पाप निकल कर नर्वत छाया करना उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म में झरना योगी योग युगत से करना योगी योग युगत से करना आत्म गंग तन तीरथ रन चित हृदय धार उतरना आत्म गंग तन तीरथ रन चित हृदय धार उतरना हो अभिषिक्त आत्मा विलेकर ओ अभिषिक्त आत्मा विलेकर जन जननी के करना योग योग जुगत से करना योगी योग जुगत से करना निर्भय चारो कोट विचरना निर्भय चारो कोट विचरना योगी योग जुगत से करना योगी योग जुगत से करना योगी योग जुगत से करना वेद खोल के रख लेंगे सब बच्चे ऋग्वेद यजुर्वेद संहिता का जो भी आप पहला मंत्र रखिए अभी तो आज ब्रह्मचर्य की दीक्षा में आप दीक्षित हो रहे हैं 25 वर्ष तक सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए और पूरी ऊर्जा अपने ज्ञान की वृद्धि करने में लगानी चाहिए और अपने अभ्यासों को बहुत उन्नत बनाना चाहिए अपने जीवन को परिष्कृत करना चाहिए आपको बार बार इसका की दीक्षा दी जाती है यहाँ पर हमारे अभ्यास अच्छे होने चाहिए कि बुरे यदि एक बार भी गलत काम करते हैं एक बार भी हिंसा करते हैं किसी से मारपीट करते हैं एक बार भी झूठ बोलते हैं एक बार भी चोरी करते हैं एक बार भी हम
संयम और सदाचार से गिरते हैं तो उससे हानि क्या होगी, हमारी आदत बिगड़ जाएगी, हमारे अभ्यास खराब हो जाएंगे और उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है। तो अपने अभ्यासों को हमें परिष्कृत करना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, उसके लिए आज ब्रह्मचर्य के कुछ व्रत हैं, उनको यहाँ से पढ़ा जाएगा, फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। ब्रह्मचर्य के व्रत के बाद फिर यह वेदारंभ में जो हमें वेदों का जो अध्ययन करना है उसका प्रतीकात्मक रूप से उपदेश किया जाएगा। अपोषाना आचमनम शुद्ध्यर्थम कुरु संध्योपासनादि कुरु कर्म कुरु दिवामास्वाप्सीः आचार्याधीनो भव वेदमधीश्वा सायं प्रातर्भिक्षेथाः प्रातःसमिधमाधेहि सायं समिधमाधेहि द्वादशवर्षाणि वेदग्रहणान्तं वा ब्रह्मचर्यं चर आचार्याधीनो भव क्रोधानृते वर्जय उपरिशय्यां वर्जय कौशीलव गंध अञ्जनानि वर्जय अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं निन्दा लोभ मोह भयशोकाञ्च वर्जय प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमयामे उत्थाय आवश्यकं कृत्वा दन्तधावन स्नान संध्योपासन ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासन योगाभ्यासात् नित्यमाचर मधुमांसं वर्जय गव अश्व हस्त्यादियानं वर्जय तैल अभ्यंग मर्दना तिक्त कषाय क्षार रेचक द्रव्याणि मासे वस्व नित्यं युक्ताहार विहारवान विद्योपार्जने च यत्नवान भव सुशीलो भव मितभाषी भव सभ्यो भव मेखला दंड धारण भैक्षचर्य समिदाधान उदक उपस्पर्शाः अभिवादाः इत्थं ते नित्यधर्माः। तो ये ब्रह्मचारी के नित्य धर्मों का यहाँ उपदेश किया है कि ब्रह्मचारी को कैसा रहना है, उसमें से 5-7 बातें बता देते हैं। एक तो दिन में नहीं सोना, नींद आती है ना पढ़ते समय, है ना, थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना, तो दिन में नहीं सोना, क्या करना बोलो, और झूठ नहीं बोलना और क्रोध नहीं करना। गुस्सा आता है ना कभी कभी, बोलो ना, कभी कभी झूठ बोला जाता है, एक बार भी नहीं बोलना किसी भी बारे में। गुरु पूछे उठने बैठने से लेके पढ़ने से लेकर के अपनी गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपने दोषों के बारे में, तो क्रोधान रिते वर्जया, क्रोध नहीं करना और झूठ और गंध आदि परफ्यूम आदि का इस्तेमाल, ये जो आजकल फुस फुस करते हैं ना, ये कोई आप लोग तो नहीं लगाते ना परफ्यूम, नहीं लगाते, कुछ कुछ पाउडर लगाते हैं। मितभाषी सभ्यो भव, कम बोलना, कैसा बोलना, जितना आवश्यक हो अति आवश्यक उतना ही बोलो, और सभ्य होना और आचार्य के अधीन रहना। जैसे आचार्य हमें उपदेश करते हैं गुरुओं के अनुशासन में हमें रहना है ऐसे, और फिर वेदाध्ययन करना है, अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा में दीक्षित होने के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान में आपको निष्णात बनना है और प्रथम कोटि का बनना है। किस कोटि का बनना है, हमारा ज्ञान हमारा जीवन हमारा आचरण हमारा नॉलेज हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, नंबर 1 का, प्रथम कोटि का, है ना। चारों वेदों का एक एक मंत्र, वेदांगानी
वेदांगानि कानि। स्वास्थ्य एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध है। पतंजलि गाय का देशी घी प्रयोग कर अपने बच्चों एवं परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं तथा प्रतिदिन पूजा में पतंजलि गाय के शुद्ध घी की ज्योति ही जलाएं। हर एक पवित्र त्योहार पर अपने मित्रों और परिजनों को गाय के देशी घी से निर्मित पतंजलि सोन पापड़ी एवं अन्य स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद उपहार में देकर एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कीजिए। पतंजलि के स्वास्थ्य वर्धक शुद्ध प्राकृतिक उत्पाद अपनाकर मिलावट के जहर से अपने बच्चों व परिवार को बचाएं। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध है। पतंजलि गाय का देशी घी प्रयोग कर अपने बच्चों एवं परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं तथा प्रतिदिन पूजा में पतंजलि गाय के शुद्ध घी की ज्योति ही जलाएं। वेदांग शिक्षा व्याकरणम कल्प और छह दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक सांख्या मीमांसा वेदांत इन सभी का ये वेदारंभ संस्कार। पहले गायत्री की दीक्षा लेंगे और हर दिन जो भी यज्ञोपवीत धारण करता है उसको प्रतिदिन किसका पाठ करना होता है, थोड़ी देर गायत्री का जप अवश्य करना है, इसी को संध्या कहा है। संध्या में मुख्य जप किसका किया जाता है, गायत्री का। रोज संध्या काल में आप लोग गायत्री की उपासना करते हैं ना, तो अभी भी यही आपके जीवन का व्रत रहेगा अंतिम श्वास तक। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अथर्ग्वेदः अग्निमीळे पुरोहितम् अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् यज्ञस्य होता आरम रत्नधातमम् होता आरम रत्नधातमम् अथ यजुर्वेदः इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्था देवो वः सविता प्रार्पयतो प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे आप्यायध्वम् आप्यायध्वम् अग्न्या इन्द्राय भागम् अग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिरनमीवाः प्रजापतिरनमीवाः अयक्ष्माः मावस्तेन ईशत माघसगंसः रुद्रः ध्रुवा अस्मिन् ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्
बतौस्या बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि अथ सामवेदः अथ सामवेदः अग्न आयाहि अग्न आयाहि वीतये वीतये कृणानो हव्यदातये कृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी निहोता सत्सी बर्हिषि बर्हिषि अथ अथर्ववेदः ये त्रिसप्ताः ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषाम् तन्वो अद्य दधातु मे अथ शिक्षा शिक्षा पाणिनये नमः पाणिनये नमः अकुह विसर्जनीयाः अकुह विसर्जनीयाः कण्ठ्याः कण्ठ्याः इचुयशाः ऋतुरसा मूर्धन्याः ऋतुलसा दन्त्याः उपोपध्मानीयाः ओष्ठ्याः अथ व्याकरणम् अयिवुण ऋलृक् एवम् वृद्धिरादै च अदेङ्गुणः इको धातुके किलोरन्ध्राः योगः मुखनासिका वचनोनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाचलौ देद्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् निपात एका जनक। आपको तो पहले ही आ गया सब वेद, तो आपका वेदारंभ में थोड़ा सा देर हो गया, तो वेद पहले ही पढ़ लिया आपने, तो पर्व आया देर से लेकिन ज्ञान आया पहले से। अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। अच्छा छंद अथ छंद पिंगलाचार्याय नमः पिंगलाचार्याय नमः धी श्री स्त्री का गुहार वसुधास सापेक्वत कदासज किं वद अष्टौ वसव। अच्छा निरुक्तम् यास्काचार्याय नमः यास्काचार्याय नमः गौः गौः ज्मा क्ष्मा क्षा क्षमा क्षोणिः क्षितिः अवनिः उर्वी मही रिपः अदितिः इळा निरृतिः भू भूमिः पूषा गातुः गोत्रा। अथ ज्योतिषम् लगधाचार्याय नमः अश्विनी फल्गुनी उत्तरा फल्गुनी चित्रा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूलम पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषक् पूर्वा भाद्र उत्तर रेवती
इति सप्तविंशति नक्षत्राणि अथ कल्पः आश्वलायन अश्वलायन कात्यायन बोधायन बोधायन आदि आदि आचार्येभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अथ पञ्चयज्ञाः अथ पञ्चयज्ञाः ब्रह्मयज्ञः देवयज्ञः पितृयज्ञः भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञः अथ न्यायदर्शनम् गौतमाय नमः गौतमाय नमः प्रमाण प्रमेया संशया प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंड हेत्वाभासा छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसा अधिगमः अथ प्रमाणानि अथ प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि अथ वैशेषिकम् अथ वैशेषिकम् कणादाय नमः कणादाय नमः अथातो आतो धर्मं व्याख्यास्यामः व्याख्यास् यतोऽभ्युदया निःश्रेयसा निःश्रेयसा सिद्धिः सिद्धिः सधर्मः अथ सांख्यम् अथ सांख्यम् कपिलाय नमः कपिलाय नमः अथ त्रिविध दुःख त्रिविध दुःख अत्यन्त निवृत्तिः अत्यन्त पुरुषार्थः अत्यन्त पुरुषार्थः अथ योगदर्शनम् अथ योगदर्शनं पतञ्जलये नमः पतञ्जलये नमः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्त तदा द्रष्टुः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् स्वरूपेव स्थानम् अथ पूर्वमीमांसा अथ पूर्वमीमांसा जैमिनये नमः जैमिनये नमः जैमिनये नमः अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो धर्मजिज्ञासा चोदनालक्षणः 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 अर्थो धर्मः अर्थो धर्मः अथ वेदान्तदर्शनम् अथ वेदान्तदर्शनम् व्यासाय नमः व्यासाय नमः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् शास्त्रयोनित्वात् उपाकृता वै वेदाः उपाकृतायै वेदा सहनाववतु सहनाववतु सहनो सह वीर्यं कर ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अभी बच्चे जिन्होंने आज श्रावणी उपाकर्म पर जो कालांतर में रक्षाबंधन कहा जाने लगा ये वेदों के अध्ययन का पर्व है और हमारे सभी ऋषि वेदज्ञ थे। हम सब ईश्वर की संतानें, हम किसकी संतानें हैं? ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने सब ऋषियों को जन्म दिया और फिर बाद में ऋषियों से हमारी ये संतति परंपरा शुरू हुई, तो हम ऋषियों की संतानें हैं। हम किसकी संतानें हैं? ऋषियों की संतानें, और हमें भी ऋषियों जैसा ही महान बनना है, तो वेदज्ञ बनना है। सब हमारे ऋषि वेद पढ़ते थे, योग करते थे और उनका जीवन बहुत ऊंचा हुआ करता था। और हमारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी जिनका मुंडन हुआ है और आपके सिर पर क्या है?
जो चोटी रखता है, शिखा रखता है, वो चोटी का ही होता है। सबसे ऊंचा होता है उसका जीवन। और सबके गले में क्या है? यज्ञोपवीत। गले में क्या अभी है? तो इसको शिखा सूत्र बोलते हैं। शिखा सूत्र, ये शिखा, ये दोनों धारण किया करते थे। ठीक है, तो आइए सब आज, जैसे ये शिखा सूत्र अपने भारतीय ऋषि परंपरा का प्रतीक है, ऐसे ही रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। तो सब बेटियां आज रक्षाबंधन पर एक गीत प्रस्तुत करने। ओम नमस्ते जी, आज हम आचार्य कुलम की छात्राएं रक्षाबंधन के उपलक्ष में आपके समक्ष तोड़ी राग में एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो इसे
धरती पर बहनों की है कमी नहीं, आगे करो कलाई अपनी अपनों की है कमी नहीं। सच पूछो तो इस धरती पर बहनों की है कमी नहीं, आगे करें कलाई अपनी अपनों की है कमी नहीं। भाई है खुदार तो उसकी बहना भी खुदार है, ये रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवालो राखी बहना का इसमें प्यार है। प्यार से कितने लोग बड़े हैं, इस बंधन की रक्षा करने वाले लोग भले हैं। बहन के आशीर्वाद प्यार से कितने लोग बड़े हैं। बहनों का भाई की खातिर ममता और दुलार है, ये रक्षा बंधन, सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवालो राखी बहना का इसमें प्यार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। आशीर्वाद बच्चों को। भारतवर्ष की यह अद्भुत किंतु पहली घटना है जहां पर इतने बड़ी संख्या में बच्चों की, छात्र और छात्राओं की उपनयन की विधि, वेदारंभ की विधि शास्त्रों के अनुसार श्रावणी उपक्रम के इस पावन वेला में संपन्न हुआ है। यह सब उन करोड़ों लोगों के लिए जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन वैदिक धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनकी निष्ठा है, उन सब के लिए यह एक उदाहरण है। उनके लिए आज का यह पावन दिन बहुत ही गर्व के लिए और हर्ष के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए यह श्रद्धे स्वामी जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसका प्रतीक यह रूप, इसका दिव्य भव्य स्वरूप आप सबने देखा। तो आज इस पावन वेला में यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों के साथ में सभी जो अभिभावक हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चों के साथ आए हुए उनके पारिवारिक जन हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं जिनके, आपके जो बच्चे हैं उनका उपनयन शास्त्र विधि के सम्मत श्रद्धे स्वामी जी के पावन सान्निध्य में उनके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। संभवतः देश के करोड़ों करोड़ों लोग चाहते हैं जिस तरह का यह आचार्य कुलम है, उस तरह के शिक्षण संस्थान में उनको शिक्षा लेने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। परंतु आप जानते हैं सीमित साधन हैं, उन साधनों में
कुछ ही बच्चों को, क्योंकि हमें पता है जब यह प्रारंभ हुआ था आचार्य कुलम, उसके बाद इस सत्र में भी जब प्रवेश की विधि प्रारंभ हुई, उस समय पर हजारों अभिभावकों ने यह प्रयास किया उनके बच्चों का संस्कार, शिक्षा, अध्ययन आचार्य कुलम में हो पाए। सबके लिए हम व्यवस्था नहीं कर पाए, परंतु हम एक उदाहरण जरूर देशवासियों को देना चाहते हैं कि आप अपने घर में भी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य और आदर्श हैं, जो शास्त्रों का कथन है, उन संस्कारों को बढ़ाने में आप प्रयास करें, अपने बच्चों को संस्कारों से संस्कारित करें। यही उदाहरण के रूप में यह सामूहिक प्रयास इस बृहद रूप में यहाँ पर किया गया। सभी बच्चों ने बहुत ही भावना से, बहुत ही मन से, प्रसन्नता से इस अनुष्ठान में आनंद लिया और हमारे बहुत ही श्रद्धेय विद्वान कृष्ण भट्ट जी जिन्होंने इन बच्चों को संस्कार से संस्कारित करने में पूरी तन्मयता से, पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। बाकी सभी हमारे अध्यापक गण, अध्यापिकाएं और सभी जो आचार्य कुलम में इन सारी शिक्षण संस्कार की व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं, उन सबको भी मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए भी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। देश के बच्चे वैसे तो देश के रीढ़ की हड्डी हो कहा जाता है, देश का भविष्य आप हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, करोड़ों करोड़ों देशवासी आपकी ओर निहार रहे हैं। आप यहां से बहुत योग्य बन करके, प्रतिभाशाली बन करके यहां से अनेक योग्यताओं के साथ में संस्कारों को पा करके आप देश के लिए कुछ करेंगे, तो उसके लिए आप कभी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे। पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको भी आज आपके उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत के संस्कार की इस पावन अवसर पर हमारा बहुत आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं, भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना, क्योंकि पतंजलि योगपीठ के लिए भी आप एक तरह से एक दिव्य विभूति की तरह से, महामानव की तरह से आप तैयार हों, यह अभिलाषा है, हमारी आशा है। उसी आशा के साथ में यह प्रयास है। तो परमात्मा की इच्छा से, श्रीदेव स्वामी जी के आशीर्वाद से और सभी देशवासियों को शुभकामना से वह अवश्य पूर्ण होगा, हमें ऐसा विश्वास करते हैं। पुनः आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस श्रावणी उपक्रम के पावन अवसर पर, इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण देश की मेरी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सबके चरणों में वंदन अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम, ओम। तो श्रावणी उपाकर्म की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बधाइयां श्रद्धाचार्य ने सबको दी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, बहुत से लोग तो इनको देख करके ही बहुत गौरवान्वित होते हैं कि इन बच्चों में कितना हौसला है। कि अभी इनकी कितनी उम्र होगी, बस 10-10, 11-11 साल के हैं और 9-10, 11 साल के हैं और ये छोटी छोटी बेटियां और छोटे छोटे बच्चे कुछ तो इसमें इतने छोटे दिखते हैं और उनमें इतनी दिव्यता है और इतना धैर्य है। या उनको छोड़ के जब माता पिता जाते हैं तो बच्चे नहीं रोते, माँ बाप रोते हैं। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत